Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about the reactions of the alkynes. So alkynes हैं, उनकी further reactions किस तरह से होंगी उसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे. So the first reaction is addition reaction. Addition reaction में mainly हम first जो hydrogenation है उसको discuss करेंगे. So in hydrogenation what we have to do is कि जो alkyne molecule हमें given है उसको हमने H2 molecule के साथ में और मेटल के साथ में ट्रीट कराना है. मेटल मेनली हम निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं. सो क्या होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर कि जो डबल बॉन्ड है मींस ट्रिपल बॉन्ड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो एक बॉन्ड है यहाँ से वो ब्रेक होगा और दोनों एटम्स के ऊपर हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएंगे. सो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2. Now second step is further इसकी reaction हम कराएंगे hydrogen के साथ में. So यहाँ से फिर एक bond break होगा और दोनों तरफ क्या हो जाएगा hydrogen का addition हो जाएगा. So इस तरह से जो alkyne है उससे first step में alkene की formation होगी, then उससे next step में alkane की formation होगी. So addition of hydrogen से हम alkyne से alkane की formation कर सकते हैं. Now the second reaction is addition of halogen. So, जो एल्काइन है एसिटिलीन फॉर एग्जाम्पल, एसिटिलीन के अंदर हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड कराना है. तो जिस तरह से हमने हाइड्रोजन ऐड कराया था सेम यहाँ से क्लोरीन का एडिशन होगा. मीन्स जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड है दैट विल ब्रेक और जो क्लोरीन है वो दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हो जाएगी और फिर यहाँ से ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ से फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर क्लोरीन एटम है वो दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल. सो तो ये रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है इसको अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्लोरीन का एडिशन होता है. सो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट रिएक्ट्स विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इन प्रेजेंस ऑफ C2H2, दिस इज C2H2, दैट विल पोलराइज एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हियर एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज हियर. नाउ दिस बॉन्ड विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड डबल बॉन्ड CH क्लोरीन है. क्लोरीन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. क्लोरीन ने यहाँ पे टू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की है, वन इज हियर एंड वन इज हियर. सो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ से एक क्लोराइड आयन था वो रिलीज हुआ था. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जो क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हुआ है दैट विल अटैक ऑन द कार्बन एटम. दिस क्लोराइड विल अटैक हियर एंड दिस बॉन्ड विल ओपन. So there will be formation of CH CL double bond CH CL. So ये molecule की formation हो गई. Next is कि ये जो molecule form हुआ था CH CL double bond CH CL. Next step is similarly फिर दोबारा से chlorine molecule है Cl2 molecule है that will attack. This will be delta positive, this will be delta negative. This bond will attack here and this bond will shift here. So यहाँ से फिर वही CH Cl यहाँ से same जैसे first हमने जो बनाया था molecule same उसी तरह से molecule की यहाँ से formation होगी CH CL सिंगल बॉन्ड CH CL और यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो अटैच होगा साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होगी पॉजिटिव चार्ज हो गया. नेक्स्ट स्टेप इज जो क्लोराइड आयन रिलीज हुआ था यहाँ से क्लोराइड आयन रिलीज हुआ था दैट क्लोराइड आयन विल अटैक हियर. सो दिस क्लोराइड आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम एंड दिस बॉन्ड विल ओपन. Means this ring will open, this bond will shift on the chloride ion containing the positive charge. So यहाँ से क्या बन गया CH के ऊपर 2 chlorine का addition हो गया. First chlorine पहले attach हुआ था, second अभी हो गया.
सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोरीन कार्बन के ऊपर क्लोरीन एटम का अटैचमेंट हो गया। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसको अगर 2 times क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कराते हैं देन कार्बन के साथ में कार्बन के साथ 4 chloride एटम्स हैं उनके अटैचमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ द हैलोजन टू द कार्बन टू द एल्काइन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज पार्शियल रिडक्शन। सो जैसे हमने हाइड्रोजनेशन किया था उसमें क्या किया था, H2 का एडिशन किया था एल्काइन के साथ में, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन देन फर्दर एडिशन ऑफ H2 देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। लेकिन अगर हम सिर्फ 1 time हाइड्रोजन का एडिशन करें सो यहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। एल्कीन के अंदर 2 types ऑफ एल्कीन होती है, 1 is cis एल्कीन एंड अनदर 1 is trans एल्कीन। सो ये किस तरह से मीन्स हाइड्रोजन के साथ हम कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसके बेसिस के ऊपर हमें स्पेसिफिकली एक तरह की एल्कीन ऑब्टेन हो। सपोज अगर हमें सिस एल्कीन चाहिए तो हम एल्काइन के साथ में एल्काइन की रिडक्शन करेंगे, पार्शियल रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2 एंड PdCaCO3। दिस इज लिंडलर कैटलिस्ट। सो इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट जब हम एल्काइन का रिडक्शन करते हैं देन वी स्पेसिफिकली ऑब्टेन सिस एल्कीन और दैट इज अ सिन एडिशन। मींस जो दोनों हाइड्रोजन ऐड हुई है वो दोनों सेम साइड ऐड हुई है, सो दिस इज सिन एडिशन। लेकिन अगर हमें ट्रांस एल्कीन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एल्काइन है उसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे और वहां पे क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, मतलब जो हाइड्रोजन है वो क्या होंगे ऑपोजिट साइड अटैच होंगी। सो दिस इज द ट्रांस एल्कीन। सो इस तरह से पार्शियल रिडक्शन से हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं और एल्कीन में भी स्पेशल आइसोमर ऑब्टेन कर सकते हैं आइदर सिस और ट्रांस। सो जो ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन है उसका मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ये रिएक्टेंट गिवन था, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर जो एक बॉन्ड है उस एक बॉन्ड के अंदर क्या होता है 2 electrons होते हैं। सो यहाँ से अगर होमोलिटिक क्लीवेज करें सो यहाँ से क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ से फॉर्मेशन होगी सी डबल बॉन्ड सी आर डॉट डॉट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि जो ट्रांस एल्कीन थी उसमें क्या यूज किया था हमने, सोडियम यूज किया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। सो सोडियम इज अ मेटल, सोडियम विल रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव। So that electron will be donated here. So there will be negative charge on this carbon atom. Negative charge means 2 electrons is negative charge. Now next step is जो ammonia molecule है that will give its hydrogen. So this will attack here and this bond will shift here. So यहां से formation हो गई R C dot double bond C H R. Now next step is similarly sodium है that will release its electron and gets converted into Na positive ion and that electron will be shifted here. So there will be formation of the negative charge on this carbon atom. Now what will happen is ये negative charge हो गया। Now next is ammonia molecule है वो अपना hydrogen यहाँ से shift करेगा, मतलब ये जो negative charge है that will attack on this hydrogen and this bond will shift here. इस molecule को specifically हम इस तरह से draw कर सकते हैं। Now this negative charge will attack here and this bond will shift here. So
सो ये जो मॉलिक्यूल को इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैच अपोजिट टू द अदर हाइड्रोजन अटैच टू द अनदर कार्बन एटम. सो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C R और H. सो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुई, ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई. सो इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज ये जो स्टेप है इसको हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एडिशन होगा दैट विल बी एंटी एडिशन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांस एल्कीन, नॉट द सिस एल्कीन. सो इस तरह से पार्शियल रिडक्शन के बेसिस के ऊपर हम स्पेसिफिकली ट्रांस और सिस एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में मीन्स एच एक्स के साथ में जब एल्काइन के रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द एल्काइन. जब इसके साथ में हमने एच बी आर को यूज किया तो यहाँ से क्या हुआ है, विनाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई है. फर्दर एडिशन के ऊपर क्या हुआ है, इथाइलिडीन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई है. तो इसका मैकेनिज्म अभी अब डिस्कस करते हैं. सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच. फर्स्ट स्टेप इज जो एच बी आर है, ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज, जो हाइड्रोजन था दैट विल अटैच हियर. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल सी एच पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ से इसी स्टेप के अंदर ब्रोमाइड आयन है दैट इज रिलीज. नेक्स्ट स्टेप इज जो ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ था दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. नाउ इन अनदर स्टेप ये जो मॉलिक्यूल है दैट विल फर्दर रिएक्ट विद एच बी आर. दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव. दिस विल अटैक हियर. दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन द ब्रोमीन एटम टू फॉर्म द ब्रोमाइड आयन. सो यहाँ से फिर से ब्रोमाइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी. हाइड्रोजन है दैट विल अटैच हियर एंड सी एच पॉजिटिव विद बी आर. दिस कंपाउंड विल फॉर्म. सो दिस इज द कार्बोकैटायन. नेक्स्ट स्टेप इज कि जो ब्रोमाइड आयन रिलीज हुआ था दैट ब्रोमाइड आयन विल अटैक हियर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमो कंपाउंड. सो इस तरह से जो एल्काइन है उससे हम डाइब्रोमो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ एच बी आर टू द एल्काइन मॉलिक्यूल. एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद हाइड्रोजन हैलाइड. नाउ रिएक्शन विद हाइपोहैलिस एसिड. जब एल्काइन है उसकी रिएक्शन हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड और फर्दर रिएक्शन के बाद में हम इस कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं. तो इस तरह से हम किस तरह से हम इसकी रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे दैट वी विल सी. फर्स्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट विल रिएक्ट विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl Cl. This is delta negative, this is delta positive. This bond will attack here, this bond will shift here and there will be release of Cl negative ion. So, yahan se formation ho gayi this molecule. Yahan pe jo chloride ion hai, means jo chlorine hai, usne two bonds ki formation ki hai, isiliye chlorine ke upar positive charge hai aur chloride ion already ek release ho chuka hai. Next step is water ka addition hoga. सो वॉटर इज अ न्यूक्लियोफाइल. लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन अप एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन द क्लोरीन. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सी एच सी एल डबल बॉन्ड सी एच ओ एच एच एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन. नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड
CH CL double bond CH OH. The next step is यहां से फिर फर्दर फिर क्लोरीन की एडिशन होगी. अगर इसके अंदर हम फिर से क्लोराइड आयन क्लोराइड मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर रिएक्शन कराते हैं, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस विल अटैक ऑन दिस क्लोरीन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल CHCl CHOH क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस क्लोरीन एटम. नेक्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ वॉटर. तो सिमिलरली वॉटर फिर से अटैक करेगा, दिस वॉटर विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल CHCl. यहाँ पे एक क्लोरीन और अटैच हो जाएगा CH, एक OH ऑलरेडी अटैच था, एंड द अनदर वॉटर विल अटैच हियर, पॉजिटिव चार्ज इन दिस ऑक्सीजन, दिस प्रोटोन विल release and there will be formation of this molecule CH Cl Cl CH OH OH. ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, सो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा OH यहाँ से और H यहाँ से, एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द एल्डिहाइड. सो यहाँ से जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ CH Cl to CH. सो दिस इज द मैकेनिज्म व्हेन The alkyne is reacted with hypohalic acid. So, इस तरह से जो अभी यहाँ पे reaction show हुई है, उसका ये mechanism हम follow कर सकते हैं for the preparation of the final product that is dichloroacetaldehyde. The next is reaction with water. So, यहाँ पे जो हम reaction देखते हैं, इसमें mercury सल्फेट यूज किया है, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एल्काइन को, दिस इज द एल्काइन. फर्स्ट दिस इज रिएक्टेड विद Hg2 पॉजिटिव आयन. यहां से अगर इसको हम देखते हैं क्या है, Hg2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन. सो यहां से क्या होगा, Hg2 प्लस के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल अटैक हियर और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरियम आयन Hg पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस. दिस इज नोन एज मर्क्यूरियम आयन. नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ वॉटर. सो जब वॉटर का अटैक कराएंगे, वॉटर विल अटैक हियर, दिस बॉन्ड विल ओपन अप एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे Hg अटैक हो गया, अटैच हो गया, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल पॉजिटिव. Now this hydrogen, this proton will release and there will be formation of OH. So C, यहाँ पे Hg अटैच है इसके साथ में, double bond C OH this. Next step is this is reacted with NaBH4. So जो NaBH4 है वो यहाँ से hydride provide करेगा और mercury जो ion है that will release. So यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया एंड सी ओ एच एच. नाउ दिस मॉलिक्यूल दिस विल अंडरगो टोटोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म के अंडरगो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, यहां से जो इनोल है, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज ओ एच ग्रुप, सो दिस इज इनोल मॉलिक्यूल, दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू कीटोन और एल्डिहाइड. So this is enol that will be converted into the carbonyl group. That is C H H C double bond O this.
टॉटोमेरिज्म किस तरह से होगा, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये मॉलिक्यूल था एच डबल बॉन्ड सी ओ एच, यहाँ से दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना था वहाँ नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो ये प्रोटोन है दैट विल अटैच, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गई एंड सी डबल बॉन्ड ओ दिस। सो इस तरह से है जो हम एल्काइन है उसका अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। सो जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव, सो सेम रिएक्शन जो अभी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट मर्क्यूरियम आयन की फॉर्मेशन होगी देन उसके बाद में जो हमने वहां पे वाटर का अटैक किया था वहां पे हम एसिटेट का अटैक करेंगे और जहां पे OH की अटैचमेंट हुई थी यहाँ पे क्या हो जाएगा OCOO OCO CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ OH। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम जब एसिटिलीन है उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ के साथ करेंगे सो विनाइल एसिटेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सो हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन किस तरह से कराते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिस इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से यहाँ से क्या ऑब्टेन होता है H+ और CN नेगेटिव। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ दिस, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड तो हम यूज कर चुके हैं ना, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH CN। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा HCN है, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस प्रोटोन, दिस कंपाउंड विल ब्रेक, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH2 CHCN। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज कि जो न्यूक्लियोफाइल था उसने जो एल्काइन है उसके ऊपर अटैक किया देन जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वहां से क्या हो गया प्रोटोनेशन हो गया और इस तरह से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ है ऑब्टेन हुआ है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। नाउ रिएक्शन विद एल्कोहल्स। सो जब एल्काइन्स हैं उनकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं देन दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज कि जो एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट विल रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। सो जो लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH ओ एच CH3 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एटम, दिस प्रोटोन विल रिलीज एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH के साथ में ओ CH3 अटैच हो। नाउ नेक्स्ट इज यहां से जो एनायन बना है दैट विल टेक द प्रोटोन फ्रॉम द सॉल्वेंट, सो दिस विल टेक द प्रोटोन फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। So this is the product that we will obtain after the reaction of the alkyne with the alcohol. So this is also the reaction of nucleophilic addition. Next reaction is the polymerization reactions.
तो जो एल्काइन्स होती हैं वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, लाइक डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन। सो इस तरह से जो फर्स्ट वन इज डाइमराइजेशन, मीन्स जो एसिटिलीन के टू मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म द फिनाइल एसिटिलीन। सो इस तरह से टू मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने क्या किया है, कंबाइन करके और एक अनदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है, दिस इज द डाइमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ट्राइमराइजेशन रिएक्शन। ट्राइमराइजेशन में क्या होगा, थ्री मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड। सो द फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट विल बी फॉर्म इज थ्री मॉलिक्यूल है सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड वन इज दिस। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सिक्स मेंबर्ड रिंग हैविंग थ्री ट्रिपल बॉन्ड, सिक्स मेंबर्ड रिंग हैविंग थ्री डबल बॉन्ड। सो जो एसिटिलीन है अगर उसका हम ट्राइमराइजेशन करते हैं सो हमें वहां से बेंजीन ऑब्टेन होती है। सिमिलरली अगर प्रोपाइन है उसका ट्राइमराइजेशन करते हैं, मीन्स थ्री मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट करते हैं प्रोपाइन के, तो वहां से हमें मेसिटिलीन की फॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। नाउ नेक्स्ट इज टेट्रामेराइजेशन। सो जिस तरह से हमने ट्राइमराइजेशन कैरी आउट किया सेम वैसे ही है जब टेट्रामेराइजेशन कैरी आउट करेंगे। सो वहां से अगर हम एसिटिलीन का टेट्रामेराइजेशन कैरी आउट करते हैं देन साइक्लो ऑक्टेट टेट्राइन का फॉर्मेशन मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड having four double bonds. So इस तरह से जो alkynes हैं उनकी हम polymerization reactions को carry out करा सकते हैं। Next reaction is hydroboration oxidation reaction. So hydroboration oxidation reaction में हम क्या करते हैं, एक alkyne लेते हैं CH3, C triple bond CH that is reacted with B2H6. So B2H6 को हम BH3 की form में represent कर सकते हैं। Now what happens is कि जो दो कार्बन है जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनमें जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे क्या होगा, जो BH3 का जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैच और जो अनदर कार्बन है उसके ऊपर बोरोन अटैचमेंट हो जाएगी। सो दिस इज एंटी मार्कोनी कॉक्स एडिशन। सो दिस इज एंटी मार्कोनी कॉक्स एडिशन। यहां से क्या होगा, दिस विल बी द ट्रांजिशन स्टेट। जो हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस तरफ मूव करेगा, यहां से ये जो बॉन्ड था दिस बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड है यहां से ब्रेक करना शुरू करेगा, यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक करना शुरू होगा। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। सो यहां से अल्टीमेटली हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि CH3, C, H, double bond, CH, BH2, ये मॉलिक्यूल की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट इज अगर इस मॉलिक्यूल को हमने H2O2 या फिर OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया तो जिस कार्बन के ऊपर BH2 ग्रुप अटैच्ड है वहां पे OH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। इस मॉलिक्यूल का जब टॉटोमेरिज्म करेंगे there will be formation of this compound. So hydroboration oxidation reaction से हम क्या कर सकते हैं कि जो alkyne है उससे हम aldehyde या ketone की formation कर सकते हैं। अगर terminal alkyne है then there will be formation of aldehyde और अगर terminal alkyne नहीं है means जो triple bond है वो बीच जो carbon की जो chain है उसमें बीच में कहीं पे triple bond present है then कीटोन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि ये जो कंपाउंड बना उसके बाद हमने अगर इसकी रिएक्शन H2O2 और OH नेगेटिव के साथ कराई
then there will be formation of CH double bond C R dash OH. और यहाँ से अगर इसका टॉटोमेरिज्म कराएंगे then there will be formation of C R CH2 C double bond O R dash. So इस तरह से जो एल्काइन है उनका हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैरी आउट करा सकते हैं. इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज द एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन, मींस हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे अटैच होगा, जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे हाइड्रोजन है दैट विल अटैच. यहाँ पे ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. जो हाइड्रोजन है और जो बोरोन है उन दोनों का सेम एडिशन है, मतलब वो दोनों सेम साइड से ही कार्बन के ऊपर अटैच होंगे. नेक्स्ट इज अगर वन हेक्साइन है उसके रिएक्शन हमने SiA2BH के साथ में अगर कराया है उसके रिएक्शन, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैच ऑन दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. सो ये जो कार्बन है, दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. सो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, नेबरिंग कार्बन के ऊपर बी एस आई ए ग्रुप अटैच हो गया और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट इज H2O2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे सो दिस बॉन्ड विल, दिस ग्रुप विल रिलीज एंड देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप. सो दिस विल बी फॉर्म और टॉटोमेरिज्म अगर करेंगे कैरी आउट करेंगे देन टर्मिनल एल्काइन दिया था हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई. सिमिलरली अगर 3-hexyne है उसके रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा इन दोनों कार्बन के अंदर, चेक करना है दोनों सेम कार्बन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सिमेट्रिकल हैं, किसी भी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा सकते हैं क्योंकि दोनों के पास में हाइड्रोजन का नंबर सेम है. सेकंड के ऊपर ये ग्रुप लग गया, देन नेक्स्ट इज जब ये कंपाउंड रिएक्ट कराएंगे देन यहाँ से क्या होगा, दिस कंपाउंड विल रिलीज एच पॉजिटिव, दिस एच पॉजिटिव will attach here, means जो हाइड्रोजन है यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो प्रोटोन देगा और प्रोटोन यहाँ से अटैच होके cis 3 हेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. सो अगर हेक्साइन से हमें cis 3 हेक्सेन बनाना है then we will use this reagent. और अगर हमें हेक्साइन से हेक्सेन बनाना है तो हम एक मेथड और भी ऑप्ट कर सकते हैं, that is H2 पैलेडियम CaCO3, देन भी क्या होता है सिस एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस कैरी आउट कराते हैं तब क्या करेंगे कि जो दो कार्बन है जिन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वहां से फर्स्ट इज कि हम वहां से ओजोनेट की फॉर्मेशन करेंगे. ओजोनोलिसिस का जो मेन मेथड है, ट्रिपल बॉन्ड दिस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, टू बॉन्ड ब्रेक करो, टू बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो. सो यहाँ से जब दोनों बॉन्ड, तीन बॉन्ड थे, तीन में से एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा, दो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन एड हो गया, सो ग्लाइकोसिल की फॉर्मेशन हुई है. दिस इज द एसिटिलीन ओजोनाइड जो बीच में यहाँ पे फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे. यहाँ पे जो ओजोनोलिसिस की थी जिंक H2 की प्रेजेंस में थी, सो यहाँ पे ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी. लेकिन अगर वाटर यूज कर लेते हैं ओजोन के साथ में देन नेक्स्ट स्टेप इज एसिड फॉर्मेशन. सो फर्स्ट स्टेप इज यहाँ पे टू बॉन्ड को ब्रेक किया, दो बॉन्ड ब्रेक किए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो की फॉर्मेशन हो गई. अगर वाटर हमने ऐड किया तो इसको फर्दर पूरा बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या कर दो, जो थर्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसकी जगह OH अटैच करो. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दीज एसिड्स. नेक्स्ट इज फर्स्ट इज ओजोनोलिसिस करनी है देन वाटर का ट्रीटमेंट करना है. सो ओजोनोलिसिस करेंगे RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, टू बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. नाउ वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे सो यहाँ से थर्ड बॉन्ड भी ब्रेक करो, सो यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे भी OH लगा दो, तो वन तो एसिड मिल जाएगी और यहां से ये बन गई कार्बोनिक एसिड. सो यहां से ये जो एसिड बनी है ये फर्दर डिकम्पोज करके H2O+
CO2 रिलीज करेगा। सो इसीलिए अगर टर्मिनल एल्काइन होगी और उसकी हमने O3 और H2 के साथ ट्रीटमेंट किया है, सो एक तो एसिड ऑब्टेन होगा और जो टर्मिनल कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, सेम यहाँ से टू बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक करो, इसका भी एसिड बना दो, इसका भी एसिड बना दो, जो दो कार्बन एटम्स हैं इन दोनों का क्या बना दो, एसिड बना दो, जिन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहाँ से ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। सेम यहाँ पे भी टू बॉन्ड है, टू बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। लेकिन जो ओजोनोलिसिस थी उसके अंदर तो हमने जब ओजोन और वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया था देन दोनों तरफ एसिड बनाया था। इसमें क्या करना है, जो मिडल में है वो तो कीटोन ही रहेगा, जो टर्मिनल वाला होगा उसको हमेशा एसिड में कन्वर्ट करना है। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली दोनों मिडल में कार्बन है, दो बॉन्ड है, उनको ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, अटैचमेंट करो, तो यहाँ से ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो KMnO4 के साथ रिएक्शन की है ये हमने लो टेम्परेचर पे कैरी आउट की है। यहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मीन्स ये लो रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो रिएक्शन थी इसमें क्या करेंगे, इनिशियली जैसे मैंने अभी बताया था कि अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, टू बॉन्ड ब्रेक करो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, टर्मिनल है सो इसका OH भी लग गया यहाँ से। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर के ऊपर है तो पूरा बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसका भी एसिड बना दो और इसका भी एसिड बना दो। तो इसका जब एसिड बनाएंगे तो ये बना और टर्मिनल का एसिड बनाते हैं तो वहां से हम उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा के वहां से CO2 रिलीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर गिवन है और मिडल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड पूरा ब्रेक करो, यहाँ से भी एसिड की फॉर्मेशन करो, यहाँ से भी एसिड की फॉर्मेशन करो। सो दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो एल्काइन है दैट इज रिएक्टेड विद O2। सो जब भी हम कंबशन किसी का कंप्लीट कंबशन करते हैं किसी भी एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, सो हमेशा CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और हीट रिलीज होती है। सो कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंप्लीट कंबशन में CO2 गैस विल रिलीज एंड वाटर विल रिलीज एंड अ लॉट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। नाउ रिएक्शन विद एल्कली मेटल। जो एल्काइन्स हैं उनकी रिएक्शन जब एल्कली मेटल के साथ करेंगे सो जो टर्मिनल एल्काइन्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली एसिडिक होती है। जो उनका हाइड्रोजन होता है, जो प्रोटोन होता है वो हाईली एसिडिक होता है। यहाँ से ये प्रोटोन रिलीज करेगा और यहाँ से सोडियम एसिटोलाइट बन जाएगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा। अब वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे सो दिस इज नेगेटिव CH, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिस विल रिएक्ट विद वाटर, सो दिस विल अटैक ऑन दिस एंड दिस विल बी शिफ्ट हियर। सो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और NaOH क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब हैवी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे सेम टर्मिनल जो एल्काइन है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करके और मेटल यहाँ पे अटैच हो जाता है। सो जो टर्मिनल एल्काइन है उसको जब सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं सो यहाँ से हमें वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, जबकि टर्मिनल एल्काइन को जब सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं सो हमें ऐसा इस तरह का कुछ प्रॉपर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होता है, लेकिन जब सिल्वर के साथ ट्रीट करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। सिमिलरली जो कॉपर के साथ टर्मिनल एल्काइन को ट्रीट करते हैं सो वहां से रेडिश प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। सिल्वर के साथ प्रॉपर अगर रिएक्शन देखें कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है वो किस तरह से होगा, तो जो एल्काइन है दिस इज रिएक्टेड विद दिस मॉलिक्यूल, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 2 पॉजिटिव, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। सो अगर टर्मिनल एल्काइन और विदाउट टर्मिनल एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर में टर्मिनल पे प्रेजेंट है या मिडल में प्रेजेंट है ये चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एल्काइन का सैंपल है उसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मीन्स टर्मिनल एल्काइन थी, और वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होता है मीन्स टर्मिनल एल्काइन नहीं थी। सिमिलरली टर्मिनल एल्काइन को अगर Cu2Cl2 और NH4OH के साथ ट्रीट करते हैं रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मीन्स टर्मिनल एल्काइन थी,
और नहीं ऑब्टेन होता है मीन्स टर्मिनल एल्केन प्रेजेंट नहीं थी। सो ये एक तरह से मेथड ऑफ डिटेक्शन है कि टर्मिनल एल्काइन और जो मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट है या मिडल में प्रेजेंट है। सो उसके लिए हम टॉलेंस रिएजेंट और जो कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसका यूज कर सकते हैं।